रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में। क्या बात है ध्रुव जी, आप क्या के नम क्यों हैं? सॉरी नानी। क्या हुआ ध्रुव जी, सॉरी क्यों? तुमसे वादा किया था कि शादी के बाद मैं खुशियों से भरी जिंदगी देंगे, और जब से शादी हुई तब से लेकर आज तक सिर्फ दुख और दर्द मिला तुम्हें। ध्रुव जी, शादी के कसमों में हमने सुख और दुख दोनों में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हंसी मजाक में साथ में रहेंगे और दुख आ जाए तो चले जाएंगे कहीं। हम बस और कुछ नहीं कहेंगे। आप ध्रुव जी, हम अपने परिवार की खुशी के लिए एक जंग लड़ रहे हैं, और जंग बिना कुर्बानी की जीती नहीं जाती। और वैसे भी अब गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, तो तिफले क्या गिरेंगे जो चले घुटनों के बल। अब शहर कब से बन गई? बस लखनऊ की हवा है और आपका प्यार। नौटंकी, ठीक है, एक काम करो, तुम बैठो और हम फटाफट खाना बनाते तुम्हारे लिए। अब खाना तो आप बना लेंगे, लेकिन पर उससे पहले ये चूल्हा जलाना पड़ेगा ना, तब से नहीं जल रहा। वो हम जलाते। वो कैसे? हम अपनी कला से तो दुनिया चला सकते हैं, ये चूल्हा क्या चीज है? डायलॉग। इस कढ़ाई में बनाएंगे क्या? इसमें हम बनाएंगे आलू शिमला मिर्च की सब्जी। पर ये सब्जियां काटेंगे कैसे? अरे चाकू से काटेंगे और कैसे? मुझे नहीं लगता आप आपसे हो पाएगा ये चाकू। सो उसके लिए हमें पहले काटने पड़ेंगे आलू। नानी, सब्जियां तो कट गई हैं। बॉम्ब नहीं है ध्रुव जी। अरे वो छींटे पड़ सकते हैं ना। अच्छा, ओके ओके। अच्छा अभी सब्जी को हम खाएंगे किसके साथ? गोल गोल रोटी के साथ। गोल गोल रोटी के साथ? आपको गोल रोटी बनानी आती है? अरे तुम रुको, हम दिखा देंगे। एक सेकेंड, खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना, सारे काम हमसे करवा रही हो और सिर्फ तुम खड़े होकर देख रही हो। पैदा ही स्मार्ट हो।
स्मार्ट हुए, स्मार्ट पैदा हुए। अरे सब्जी चल गई। सब्जी चूल्हा तो बंद पड़ा। धानी रुको, धानी हम बताते तुम्हें। नहीं। रॉकी देख रहे हो ना दोनों को, इन्हें देखकर कहीं से भी लग रहा है कि इन्हें अपने परिवार से, अपने घर से दूर होने का दुख है। नहीं 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 नहीं, कह रहे एक भी कदम आगे बढ़े तो भिगा देंगे आपको। अगर हम भीगे तो तुम्हें भिगा देंगे। अच्छा, भिगा के दिखाइए फिर। हमने कहा था ना, इन्हें कोई दुख नहीं हो रहा है क्योंकि इस परिवार से दूर होने का ये बस नाटक कर रहे हैं। और हाँ रॉकी, अगर तुमने इन दोनों का रिश्ता नहीं तोड़ा इस परिवार से, तो तुम्हारा भविष्य इस घर में बिल्कुल भी नहीं है, और तुम्हारा बदला वो कभी पूरा नहीं होगा। सोच लो। मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम वो मेरी आदत हो, दोबारा प्यार न होगा आखिर तुम मोहब्बत हो। बदल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे, चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी है, जीने के लिए तो काफी है। ठीक हो ना? ए, ये हमारा घर है समझा, यहाँ पे शरीफ लोग रहते हैं, इसलिए अपनी ये रास लीला कहीं और जाके गए। अगर हमारी बीवी को लग जाती रहोगी तो शांत हो तो? तो क्या कर लेगा, बोलना रॉकी, बोलना क्या करेगा रॉकी, प्लीज। ए रॉकी, अब समझ रहे हो ना इनका नाटक। पहले ये तुम्हें धमकाते हैं, फिर हाथ उठाने पर मजबूर करते हैं, और फिर खुद रुककर तुम्हें विलन बना रहे हैं ये। रॉकी, इसलिए हम कह रहे हैं
इनका ये टेंट ना हटवाओ यहाँ से, ये तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। दीदी देखो, ये तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठा रही, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी बात मत मानो। हम ना शांत हो जाते सब, हाँ आराम से बात करते, ठीक है? तुमको कितनी बार बोला है हमारे काम में टांग नहीं अड़ाने का। नहीं तो रॉकी, नहीं तो रॉकी, धानी देख रही हो ना, ये हर एक थप्पड़ उस गुस्से का नतीजा है जो हमने रॉकी के अंदर भरा है, और आज की तारीख में ना हमसे दुगनी नफरत करता है वो पांडे परिवार से। वो अकेला ही काफी है पांडे परिवार को बर्बाद करने के लिए, हमारी तो जरूरत ही नहीं। नहीं 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 नहीं, बस बस, ये कोई अखाड़ा नहीं है, ये कोई अपना दुश्मन नहीं है, हमारा बिटुआ है। छोड़ो, हाथ नहीं उठाएगा रॉकी, छोड़ो, निकाह नहीं उठाएगा तो नहीं उठाएगा। नहीं, हमने कहा नहीं हाथ उठाएगा। आज छोड़िए पांडे जी, क्या कर रहे हो तुम दोनों? पापा, ठीक है? अब हम ठीक हो चुके। रॉकी बेटा, रॉकी बेटा, तू ठीक तो है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉकी पे हाथ उठाने की? चुप! ये दो भाइयों के बीच की बात है, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। ध्रुव जी ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि रॉकी अपने पिता पर हाथ उठा रहा था। आप सब लोग बहुत गलत कर रहे हैं। इस गुटबाजी का जवाब हम देंगे। अगर कल सुबह तक हमने सबकी हालत खराब ना कर दी ना, तो हमारा नाम भी शिष्ट ही नहीं। ध्रुव जी, रॉकी नशे की वजह से बेहोश हो गया, उसे घर लेकर जाते, चलिए। रुको, तुम दोनों घर के अंदर कदम नहीं रखोगे, और कौन रोकेगा हमें? आप भूलिए मत, आपका मसीहा बेहोश पड़ा है तो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं हम। और आज की रात अगर आपने हम पर हुक्म चलाया तो अपने आसपास देख लीजिए, यहाँ जो कोई भी खड़ा है आपका दुश्मन है।
एक भी गलत कदम और आज की रात आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। चलिए माँ। जीजी जाओ। धानी बेटा बोलो। धानी हम सृष्टि के कमरे के बाहर पहुंच गए हैं, आगे क्या करना है? अच्छा बुआ जी सब तैयार है ना? हाँ बेटा सारी तैयारियां हो गई है। तो धानी अपना काम शुरू करें? नहीं 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 अभी इतनी जल्दी कहाँ, थोड़ी रात और बीतने दीजिए, उन्हें गहरी नींद में सोने दीजिए, उसके बाद उन्हें वो बेहोशी वाली दवाई सुंघा देना। वो बॉटल है ना आपके पास? हाँ हाँ बेटा बॉटल हमारे पास ही है, हाथ में ही रखी है। एक बार वो सो जाए हाथ पैर बांध देना और फिर नदी में जाकर फेंक देना। हाँ और वहाँ से गायब हो जाएगी तो फिर मगरमच्छ खा जाएगा उसको। हाँ और अगर रॉकी हमें पूछेगा कि सृष्टि कहाँ गई तो हम कह देंगे कि हमें नहीं पता वो कहाँ चली गई। थोड़े दिन उसे बुरा लगेगा लेकिन बाद में हम उसे समझा देंगे, मना लेंगे और मेरा प्यारा बेटा मान भी जाएगा। पर धानी कहीं हम फंसेंगे तो नहीं ना? अरे हम कैसे फंसेंगे, जो भी क्या मगरमच्छ ने किया ना, हमने क्या किया, हमारी क्या गलती? चल रूपा सृष्टि सो गई होगी, चल के अपना काम खत्म करते हैं। हाँ बेटा काम तमाम करके हम तुम्हें फोन करेंगे, ठीक है? चलिए जी जी। नहीं पता था हमको है। कहना पड़ेगा तू तो बड़ा होशियार हो गया है। हाँ हमें पहले ये बताओ कि तुमने स्टोव जलाना कब सीखा? कुछ सीखा नहीं है, हमारे सामने हीरो बनने के लिए इंटरनेट पर सर्च करके सब कुछ कर रहे थे और इसी के चक्कर में कल रात को हमें कच्ची आलू की सब्जी खानी पड़ गई। सच में? कच्चे आलू? अरे ये भालू तो खुद हमसे सारे काम कराता है। अरे हम बताएं हमें तो कल बहुत मजा आया पर कल असली सजा तो सृष्टि को मिली। हमने उसे इतना डराया कि रात भर सो नहीं पाई वो। सच्ची उसका चेहरा देखने लायक था, भोलेनाथ की कसम डर के मारे उसने 10 बार मुंह धोया था, 10 बार।
रॉकी बेटा तू कब उठा? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हमें बुला लिया होता हम आ जाते। कुछ चाहिए था क्या? रॉकी अगर आप हमसे प्यार करती हैं तो हमारे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप ध्रुव और धानी से कोई रिश्ता नहीं रखेंगी। एक मिनट पांडे जी, अगर इस घर में किसी ने भी ध्रुव और धानी से कोई भी रिश्ता रखा या उनसे बात करने की कोशिश की तो वो हमारा मरा हुआ मुंह देखेगा। इस बार एकदम सही जगह पर वार किया है हमने। इस कसम को तो भी की हिम्मत माँ को क्या कोई भी नहीं करेगा।